शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है। पार्वती ने कहा, 100 जन्म तक मैं कुमारी रह लूंगी, लेकिन जब पति बनाऊंगी तो शिव भगवान को ही बनाऊंगी। सोचिए, ऐसे स्त्री को पति व्रता होना चाहिए, पुरुष को पत्नी व्रता होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य से बुद्धि कुशाग्र होती है। ब्रह्मचर्य की शक्ति आपकी बुद्धि को हजार गुना ज्यादा स्मरण शक्ति प्रदान कर देती है। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, अल्पहारी, गृहस्थ त्यागी, और विद्यार्थी को विषय भोग नहीं करना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, और विद्यार्थी को काग जैसी चतुराई, बगुले जैसा ध्यान और कुत्ते जैसी हल्की नींद लेना चाहिए। कितने विद्यार्थी तो कुंभकर्ण जैसे सोते हैं। पूरा गांव जाग गया, वो नंदू भगत जागता ही नहीं है। सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिपेंड आपका जीवन होना चाहिए। वह कार्य करो जिससे माता पिता का सम्मान बढ़े। जवानी के जोश में किसी की तरफ आकर्षित मत हो। हे बेटियों, तुम में राधा का रूप छिपा हुआ है, तुम में देवी सीता का रूप छिपा हुआ है। तुम अपने रूप को पहचानो। किसी लड़के में मोहित होकर उसके साथ भागना पाप है। तुम्हारी जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने दूध पिलाया, तुम्हारा लेटरिन पेशाब सब धोया उठाया, 3 साल गोद में खिलाया, मजदूरी करके पैसे कमाकर तुमको पढ़ाया, कपड़े पहनाया, स्कूल की फीस दिया, किताबें खरीदा, सेम टूटे चप्पल पहना, फटे कपड़े पहन लिया, लेकिन तुमको स्कूल की ड्रेस पहनाया, उस माता पिता को धोखा देकर किसी लड़के के साथ भाग जाना, किसी लड़की के साथ भाग जाना, माता पिता की इज्जत को लुटा देना, उनके सम्मान को मिट्टी में मिला देना, उनको टेंशन में डाल देना, उनको चिता की चिंता की चिता में जला देना, उनको असमंजस देना, ये महापाप है, ये महापाप है। इस पाप को कभी करना नहीं चाहिए। हर बेटी को माँ बाप की इज्जत बढ़ाने का बीड़ा उठाना चाहिए। हर बेटे को अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना चाहिए। कुछ नहीं रखा है फैशन में, व्यसन में, आकर्षण में, भोगों में, विलासिता में, केवल और केवल मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता आपको पतन की ओर ले जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा की चौपाई याद करो, आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोक हांकते कांपे। अपने तेज को संभालो, अपनी वाणी को संभालो, इंद्रियों को संभालो, मन को संभालो, चरित्र को संभालो, अपने स्वभाव को संभालो,
अपने कर्मों को संभालो, और यदि ये सब कर लिया तो तुम धरती के जीते जागते देवी देवता हो, तुम किसी देवता से फिर कम नहीं हो। खान पान भी संभालो, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, शुद्ध शाकाहारी बनो। मांस कितना महंगा है, 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो आलू खरीद कर खा लो, ये 500 रुपये किलो का मांस खाने से क्या फायदा है। लंका के राक्षस मांस खाते थे, भैंसा खाते थे, कुत्तों को खाते थे, हनुमान जी फल फ्रूट खाते थे, हनुमान जी अकेले लंका के राक्षसों को जाकर पटक पटक कर मारा था। याद रखना, फल फूल में ज्यादा शक्ति है, मांस में शक्ति उतनी नहीं है। अमरूद खाइए, पपीता खाइए, पपीता फलों में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है, क्योंकि पिता भी तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है और पपीता भी तुम्हारे पेट को कंप्लीट करता है। पेट की नाना बीमारियों को पपीता दूर कर देता है। अपने घर के पिछवाड़े 2-4 पेड़ पपीता के लगा दीजिए, 2-4 पेड़ अमरूद जामफल के लगा दीजिए, और 1-2 पेड़ आम के भी लगा दीजिए, और 2-4 पेड़ केला के लगा दीजिए। जितना बर्तन धोने का पानी है वो सब केला की जड़ में जाए, केला फल देगा। कभी कभी केले की सब्जी बनाकर खाइए, कभी केला पक जाए तोड़कर खाइए, और कभी पपीता तोड़कर खाइए, कभी पपीते की सब्जी बनाकर खाइए। घर के पिछवाड़े थोड़ा सब्जी बो लीजिए, भिंडी बो लीजिए, तुरई लौकी बो लीजिए, ताजी खाइए। और अपने भैंस पालिए, गाय पालिए, उसका गोबर सब्जी में डालिए, बढ़िया एनर्जी पैदा करने वाली सब्जी खाओगे, सद्बुद्धि आएगी। थोड़ा महिलाएं घर के पिछवाड़े काम कर देंगी तो उनका व्यायाम हो जाएगा, तो भी बीमार नहीं होंगी। 2-4 भैंस पाल लो, आपकी बहुएं भैंसों को संभाल लेंगी, और भैंसों को संभालेंगी, 1000 का दूध रोज बिकेगा, घर की गरीबी दूर होगी। दूध बेच करके कार ले आइए, कार में बहू को बिठा करके उसके मायके पहुँचाइए, ऐसी जिंदगी जियो। अब घर के सामने जो है थोड़ी जगह रखो, जहाँ कार खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो। मकान हमेशा 3 से 5 मंजिल तक बनाए।